चलिए मालपुए बनाते हैं। इसके लिए मैदा एक कटोरी, इसे रिफाइंड फ्लोर कहते हैं, सूजी आधा कटोरी, शक्कर 2 से 2.5 चम्मच, अब मिलाएंगे सौंफ, काली मिर्च कूटी हुई और उसमें इलायची पाउडर भी मिक्स है। 1 कप दूध मिलाएंगे। अब इसका गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। आवश्यकता अनुसार पानी भी मिलाएंगे थोड़ा सा घोल तैयार करने के लिए। बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे। बिस्की की मदद से 5 मिनट के लिए इसे फेंट लेंगे। शुगर सिरप बनाएंगे, 1 कप पानी डालेंगे, उसमें 1.5 कप चीनी डालेंगे और 10 मिनट के लिए उबालेंगे चलाते हुए। इलायची पाउडर डालेंगे 2 चुटकी। अब चेक कर लेंगे, शुगर सिरप बिल्कुल तैयार है, घोल तैयार है। अब इसे गर्म तेल में तल लेंगे। मालपुए तलते वक्त ऊपर जाली आना बहुत ज़रूरी है, तभी उसको पलटाएंगे, नहीं तो मालपुए टूटने का डर रहता है। एक एक करके मालपुए तल लेंगे अच्छे गोल्डन ब्राउन होते तक। अब ये तल गए हैं, इनको शुगर सिरप में डालेंगे डायरेक्ट ताकि ये अच्छे से चाशनी पी ले। इसी प्रकार हमने सारे मालपुओं को तल के चाशनी में डुबो दिया है। अब इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में, ऊपर से थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और लीजिए तैयार है मालपुए की डिश। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है।